लोगों को FPS एकदम फ्री में मिला जा रहा है, मतलब 60 FPS, 100 FPS, 120 FPS, 240 FPS, 1000 FPS। मतलब भाई 60Hz के रिफ्रेश रेट मॉनिटर या 60Hz के स्क्रीन पे भी 120 FPS का गेम्स का मजा लिया जा रहा है। तो क्या ये सच है या फिर हमें पागल बनाया जा रहा है? तो इस वाले वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। एक डार्क काला कड़वा सच ये है कि अगर आपका लैपटॉप का स्क्रीन या फिर मॉनिटर अगर 60Hz का है तो आपको 60 FPS के अबाव कभी FPS नहीं मिल सकते गेम में, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है, तो ये बहुत ही काला सच है। बट यार, अगर आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जो FPS बता रहा है गेम का, और आपके स्क्रीन पे वो बता रहा है कि आपको 70+ FPS या फिर 100+ FPS मिल रहे, तो वो कैसे होता है? एक्चुअली जो आपका ग्राफिक कार्ड होता है, NVIDIA का कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लो, 1050 Ti, 1650 Ti, ये सारे जो है 60 FPS के अबाव प्रोवाइड कर देते हैं बहुत सारे गेम्स में। तो वो केपेबल है आपको 100 FPS प्रोवाइड करने का, बट आपका जो स्क्रीन है लैपटॉप का या फिर मॉनिटर है वो अगर 60Hz का है तो वो एक सेकंड में 60 फ्रेम्स ही दिखा सकता है आपको मॉनिटर पे। तो भले ग्राफिक कार्ड में से 100 FPS जा रहे हैं, बट जो मॉनिटर है वो 60 FPS ही ले पा रहा है। तो ऐसा होता है कि कुछ जो 40 FPS बच गए हैं NVIDIA के प्रोसेसर से आ रहा है जो, वो आपको वहाँ पे होल्ड में लग जाता है या फिर स्क्रीन पे किसी तरीके से एडजस्ट करके दिखाया जाता है, और आपको इसलिए दिखता है कि 70 FPS दिखा रहा है, 100+ FPS दिखा रहा है। बट इस सिनेरियो में आपको स्क्रीन टियरिंग इशू जो है वो फेस करना पड़ेगा, मतलब उस केस में आपका जो गेम है वो स्मूथली नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर है ग्राफिक प्रोसेसर, वो 100 FPS प्रोवाइड कर रहा है और somehow मॉनिटर उसको मैनेज कर रहा है कि वो पूरे 100 FPS को मैनेज करके शो कर दे आपको। तो यार, उस केस में कैसे मॉनिटर शो कर पाएगा? उसमें थोड़ा सा दिक्कत देखने मिल सकता है गेम्स में, बट ये कुछ कुछ जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक जो कॉम्पिटिटिव शूटर्स गेम रहते हैं वहां पर FPS जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर FPS ज्यादा है तो लेटेंसी जो होता है कीबोर्ड और माउस से, जो भी आप टाइप कर रहे हो या फिर माउस हिला रहे हो, तो जो लेटेंसी है वो कम देखने मिलता है। इसलिए उन सारे गेम्स में FPS बहुत ही मैटर करता है। अगर FPS ज़्यादा है तो लेटेंसी कम है तो आप लोगों को बहुत जल्दी मार पाओगे, नहीं तो अगर आपका FPS कम है और लेटेंसी ज़्यादा है तो यार ऐसे केस में लोग आपको मार के चले जाएंगे। बट कुछ कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा देखने मिलना चाहिए, मतलब गेम जो है वो स्मूथली चलना चाहिए, और वहाँ पर लेटेंसी जो है इतना मैटर नहीं करता। मतलब जैसे GTA 5 जैसा गेम है, वहाँ पर थोड़ी आप कंपिटिटिव खेल रहे हो, वहाँ पर आप थोड़ी शूट कर रहे हो किसी को और सामने वाला बंदा भी मतलब रियल है, वो भी गन चला रहा है, तो उन सारे गेम्स में जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर आप कर सकते हो कि वर्टिकल सिंक ऑप्शन होता है गेम्स में, आप उसको ऑन कर दो, वी सिंक बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो आपका ग्राफिक प्रोसेसर है वो एकदम लो कर देगा FPS को, मतलब आपका ग्राफिक प्रोसेसर अगर 100 FPS प्रोवाइड कर रहा था तो वो अब प्रोवाइड करेगा जितना आपका मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है, लाइक 60Hz का मॉनिटर है तो वो सिर्फ 60 FPS प्रोवाइड करेगा, और मॉनिटर और ग्राफिक प्रोसेसर सिंक्रोनाइजिंग में चलते रहेंगे, इसलिए हम इसको वी सिंक बोलते हैं। तो आप इसको ऑन कर दो और ये बहुत सारे गेम्स में काम आता है। और आप जी सिंक को भी ऑन कर सकते हो अगर आपका मॉनिटर जो है वो जी सिंक सपोर्टेड है। तो वहां पर क्या होता है, इनफैक्ट जो ग्राफिक प्रोसेसर होता है वो FPS को लो नहीं करता, इनफैक्ट जो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है उसको बढ़ा देते हैं। लाइक अगर आपके ग्राफिक प्रोसेसर में से 120 FPS निकल रहा है और आपका मॉनिटर 60Hz का है बट वो जी सिंक को सपोर्ट करता है, तो वो रैदर देन डिक्रीजिंग द ग्राफिक प्रोसेसर का FPS, मतलब 120 से 60 पे नहीं करेगा, वो इनफैक्ट क्या करेगा, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz कर देगा। और ये सिंक्रोनाइजेशन होना ग्राफिक प्रोसेसर और मॉनिटर या फिर स्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ गेम्स के लिए, बट कुछ कुछ गेम्स के लिए लेटेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कम देखने मिलना चाहिए लेटेंसी। लाइक कंपेटिटिव शूटर गेम्स, उनमें जो है आपको ये मैटर नहीं करता कि स्क्रीन टियरिंग मिल रहा है या नहीं, स्क्रीन टियरिंग थोड़ा सा भी मिल रहा हो तो चलेगा, बट हमें वहाँ पर लेटेंसी कम चाहिए होता है। और कुछ गेम्स जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, मतलब वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलना चाहिए, तो वहाँ पर आप वी सिंक को ऑन कर सकते हो, वर्टिकल सिंक को। अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो आप NVIDIA के कंट्रोल पैनल में जाओ, मैनेज 3D सेटिंग्स में जाओ, और वहां पर आपको वर्टिकल सिंक का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसको ऑन कर दो। या फिर अगर आपके पास AMD का ग्राफिक कार्ड है तो आप रेडियन सेटिंग्स में जाओ, उसके अंदर गेमिंग में जाओ और फिर ग्लोबल ग्राफिक्स को सिलेक्ट करो, और वहां पर होगा वेट फॉर वर्टिकल रिफ्रेश, उसको आप ऑलवेज ऑन कर दो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस चेकआउट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। बाय।